ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में आक्रामक तेवर अपनाए हैं। आज हिंगनघाट में भी विधायक समीर कुनावार के नेतृत्व में धरना आंदोलन कर उप विभागीय अधिकारी मार्फत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले इनके नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। ओबीसी के आरक्षण को रद्द कर ओबीसी समुदाय पर अन्याय किया जा रहा है। इस आरक्षण को तत्काल अमल में ला के महाराष्ट्र में ओबीसी समाज को न्याय दिलाने की भूमिका में बीजेपी दिख रही है। आने वाले जिला परिषद और सभी चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, उसी के साथ सभी जगह पर ओबीसी आरक्षण दिया जाए, इस मुद्दे को लेकर आज महाराष्ट्र के 900 स्थानों पर आंदोलन किया जा रहा है। त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातल्या 5 जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका ज्या सरकारनी भूमिका घेऊन थांबवल्या होत्या की ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्याशिवाय घेणार नाही, आता त्याचा निवडणूक कार्यक्रमसुद्धा आता लागू झालेला आहे आणि त्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात सरकारने आता निवडणूक आयोगानी पत्रक काढलेलं आहे आणि प्रोग्राम दिलेला आहे। आमचा विरोध असा आहे की ओबीसीला राजकीय आरक्षण हे त्यांच्या हक्काचं आहे, ते मिळालं पाहिजे। गेल्या पावणे दोन वर्षापासून हे सरकार आघाडी सरकार या महाराष्ट्रामध्ये आलेलं आहे, यांनी इतका वेळ कुठल्याही प्रकारचं लक्ष दिलं नाही आणि जेव्हा आता आरक्षण निघून गेलं आणि आता निवडणुका घेण्याची वेळ आली तेव्हा हे सरकार हालचाल केल्याचं आपल्याला फक्त भासवत आहे। हा ओबीसीवरती मोठा अन्याय आहे आणि म्हणून या निमित्ताने याच्या आधीसुद्धा भारतीय जनता पार्टीने महाराष्ट्रावर आंदोलन केलेले आहे ओबीसीच्या बाबतीमध्ये आणि त्या आता निवेदन दिलेलं आहे की या ओबीसीला तातडीनं तुम्ही। हिंगनघाट में विधायक समीर कुनावार के नेतृत्व में सभी तहसील के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की उपस्थिति में तहसील ऑफिस के सामने आंदोलन किया गया। इस वक्त वर्धा जिला महामंत्री किशोर दिघे, हिंगनघाट तहसील अध्यक्ष आकाश पोहाणे, विलास अम्बरवेले, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।